नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश है। मेरे एक व्यूअर्स हैं संगीता जी, उनका एक कमेंट था कि सर मेरा पीरियड कभी 2 दिन भी लेट हो जाता है, कभी 5 दिन भी लेट हो जाता है, कभी 2 महीने भी, और कभी ऐसा भी हुआ है कि सर मेरे 3-3 महीने पीरियड नहीं आया है। और अभी मेरी एज 17 साल की है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं किस डॉक्टर को दिखाऊँ, और यदि कुछ टेस्ट हैं तो मैं क्या टेस्ट कराऊँ, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए संगीता जी, सबसे मेन चीज़ है कि यदि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अभी तक आपको किसी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए था, क्योंकि जब तक आप किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ को नहीं दिखाएंगे आपको उसकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी कि क्या आपको प्रॉब्लम है। वैसे हो सकता है कि आपको PCOS की प्रॉब्लम हो, आपको किसी तरह की सिस्ट की प्रॉब्लम हो, पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम बोलते हैं जिसको, उसकी प्रॉब्लम हो सकता है किसी तरह की कोई हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उसके वजह से भी पीरियड नहीं आता है, या किसी प्रकार की कोई अंदर ओवरी में कोई प्रॉब्लम हो रही हो जिसके कारण आपका पीरियड मिस हो जाता है, या किसी तरह का टाइम लेट आते हैं। और आपका सवाल था कि मैं मतलब क्या टेस्ट कराना चाहिए, किस उस टेस्ट की जानकारी से पता चल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए सबसे पहले आपको जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वो सबसे पहले आपको एक USG कराएंगी, उसमें पता चल जाएगा कि आपको क्या आगे टेस्ट कराना है क्या नहीं कराना है, उसके बाद ही आपको पता बता पाएंगी कि आपको आगे भी कोई टेस्ट कराना होगा, तो वो उसके आधार पर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ही बता पाएंगी कि क्या टेस्ट कराना है। तो सबसे पहले संगीता जी आपको टेंशन नहीं लेना है, केवल किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाना है जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में और मिलने वालों में ज़रूर शेयर करें ताकि इस तरह की प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व हो सके। यदि थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।